In previous video, I had explained about the lesson at the zoo. Today, in this session, we are going to take some question and answer regarding this topic. Let's start. Rule second at the zoo. Comprehension questions from your textbook. Answer the following question in two or three sentences each. The first question is, what was each of the following doing at the zoo? The baby elephant, the young antelope, and the giraffe. आपको लिखना है कि बेबी एलिफेंट, यंग एंटेलोप और जिराफ यहाँ पे क्या काम कर रहे थे। तो ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है या दो या तीन मार्क्स के लिए कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन अगर जो सेपरेट आए वन मार्क्स के लिए, व्हाट वाज द बेबी एलिफेंट डूइंग, यहाँ पे लिखेंगे द बेबी एलिफेंट वाज रॉकिंग टू इट्स चेन्ड लेग। यहाँ पे जंजीरों से बेबी एलिफेंट को बांधा गया था। Hang antelope के बारे में लिखेंगे। Hang antelope was racing madly around. It leaped, sprang, and turned round and round faster and faster. It tumbled down in the very middle of the heap of grass and fell asleep there. तो hang antelope क्या करता है? दीवानों की तरह वो घूमता है, वहाँ पे चक्कर लगाता है, round and faster and faster. यानी तेजी से उसके चक्कर लगाता है और वो छलांगे लगाता है, लीप्स करता है यानी छलांग लगाता है, स्प्रैंग कुत्ता है, छलांग लगाता है और आखिरकार क्या है कि घास के ढेर पर जाकर गिर जाता है और वहीं सो जाता है। इस तरह से अगर जो सेपरेट आए तो सेपरेट, लेकिन अगर जब पूरा कंबाइंड क्वेश्चन आए दो या तीन। अब जिराफ के ताल्लुक से, जिराफ towered high above the other animals and was standing by a huge shed eating the leaves from a tall tree. तो जिराफ के ताल्लुक से ये कहा गया है कि वे गर्दन को एक huge shed यानी shed के नीचे खड़ा था और वो दरख्तों के पत्ते खा रहा था। ये जिराफ के ताल्लुक। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, what was the grandpa elephant used for enjoyment of the children. तो बच्चों के मजाक के लिए, बच्चों की खुशी के लिए ग्रैंडपा एलिफेंट क्या कर रहा था? तो आ चुका है। The grandpa elephant was saddled and with his grandpa elephant के ऊपर क्या बांधा गया था? सैडल बांधा गया था, जो बैठने की बच्चों को सवारी करने के लिए चीज होती है वो बांधा गया था। गर्द विथ हिज स्ट्रैपिंग, एक जालों के जरिए, जाल के जरिए जो पूरा पेट को कवर करके बांधा गया था। एंड इट वॉज मूविंग अबाउट विद ए कार्गो ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन ऑन इट्स बैक, और उसके ऊपर जो बच्चे बैठे थे वो बहुत एंजॉयमेंट कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ बर्ड्स मेंशन इन द लेसन। यहाँ पे आपको सबक में आए हुए परिंदों के नाम लिखना है। कौन से परिंदे आए? द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन आर क्रेन्स, हंस, स्टॉर्क्स, पैरट्स, तोते, स्नो वाइट कॉकटूस, ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा तोता होता है वो, एंड फनी डक्स, और क्या है, बतख। व्हाट आर द थिंग्स सेड अबाउट ईच ऑफ द एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स के ताल्लुक से लिखना है, जो मैंने ऊपर दर्ज किया है वही यहाँ पे लिखना है। बेबी एलिफेंट क्या कर रहा था? द बेबी एलिफेंट वॉज रॉकिंग, इनसे जकड़ा गया था उसको, इसके पैर को। द मदर एलिफेंट वॉज लुकिंग सैड, और माँ एलिफेंट जो थी वो नाराज थी या गमगीन थी। द ग्रैंडपा एलिफेंट वॉज सैडल्ड एंड गर्ट विथ हिज ट्रैपिंग, उस पर क्या है, सैडल बांधा गया था ग्रैंडपा एलिफेंट को। अ वेरी यंग एंटेलोप वॉज रेसिंग मैडली अराउंड, और एंटेलोप क्या है, तेजी से दौड़ लगा रहा था। द डियर वॉज रॉम्पिंग, हिरन जो है रॉम्पिंग कर रहे थे, हलचल कर रहे थे, कूद रहे थे। तो अ जिराफ टावर्ड हाई अबाउ द अदर एनिमल वॉज इन स्टैंडिंग बाय एंड ईटिंग द लीव्स फ्रॉम, जिराफ जो था अपनी
गर्दन उठाए, एक शेड के नीचे खड़ा था और वो बड़े दरख्तों से पत्ते खा रहा था। ये हो गया हमारे किताब के जो मश्क की सवाल थे। अब थोड़े एडिशनल क्वेश्चंस पे मैं लेता हूँ, सबक जो है तरह से जहन नशीन हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन एडिशनल में हम लेंगे, व्हाट वाज द क्रेन्स डूइंग एट द जू। क्रेन्स क्या कर रहे थे, हंस क्या कर रहे थे। द आंसर लिखेंगे, द क्रेन्स वेर हैविंग देयर डेली विंग एक्सरसाइज। वो क्या कर रहे थे, अपनी परों की रोजाना की एक्सरसाइज कर रहे थे, पर खिला रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन, विच एनिमल वॉज सी गोपी फर्स्ट एट द जू। गोपी ने कौन से जानवर को फर्स्ट देखा, गोपी सॉ द एलिफेंट्स एट द जू। टू होम डिड गोपी राइट ए लेटर, गोपी ने कितने खत लिखा, गोपी राइट ए लेटर, गोपी रोट ए लेटर टू विष्णु, विष्णु विष्णु को लिखा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वाई डिड गोपी राइट ए लेटर, क्यों लिखा, इसलिए गोपी ने विष्णु को खत लिखा। गोपी गोपी रोट ए लेटर टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ ए विजिट टू द जू। अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसने मजा किया जू में, इसको बताने के लिए उसको खत लिखा। What kind of elephants did Gopi see in the zoo? तो यहाँ पे elephants कौन से देखे, तो Gopi saw a baby elephant, mother elephant and a grandpa elephant। तो तीन तरह के हाथी देखे उसने, ये लिखना है। What animal did Gopi see second in the zoo? तो zoo में second कौन सा जानवर देखा, second जो हाथी के बाद में है, camels देखा। At the zoo Gopi saw the camels in the zoo. What were deer doing at the zoo? Deer क्या कर रहे थे, हिरन क्या कर रहे थे। The deer were romping, क्या है, हलचल मचा रहे थे, कूद कर रहे थे। How was the stroke? How was a stork standing at the zoo? जिसका जिक्र सबक में आ चुका है, क्या लिखेंगे। A stork was having a quiet doze. स्ट्रोक जो खड़ा था वो ऊँगता हुआ, standing on one leg, यानी अपने एक पैर पर खड़ा होकर स्ट्रोक ऊँग रहा था। Which animal was looking strange? कौन सा एनिमल जो है अजनबी सा मालूम हो रहा था, अजीब मालूम हो रहा था गोपी को। आंसर क्या है, जिराफ वॉज लुकिंग स्ट्रेंज, जिराफ जो है अजनबी या अजीब मालूम हो रहा। अब ट्वेल्थ क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट वेयर फनी डक्स डूइंग एट द जू। डक्स क्या कर रहे थे, फनी डक्स वेयर ग्लाइडिंग अक्रॉस द पॉन्ड। तो उस फनी डक्स क्या कर रहे थे, ग्लाइड कर रहे थे, पानी पर तैर रहे थे, देखना इसको कहते हैं। अब यहाँ पे टू मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, रिपीट नहीं करूँगा इसमें। वाई वॉज द मदर एलिफेंट, माँ जो ऊपर हमने कहा माँ परेशान थी या गमजदा थी, वो क्यों थी, यहाँ पे रीजन देना है। द मदर एलिफेंट वॉज लुकिंग साइड बिकॉज, क्योंकि इट्स बेबी एलिफेंट वॉज टाइड विथ ए चेन, इसके बच्चे को क्या है चेन से बांधा गया था, ये वो गमजदा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए या तीन मार्क्स के लिए ये भी आ सकता है, नेम द एनिमल्स एंड बर्ड्स डिड गोपी सी एट द जू। कौन से जानवरों को और परिंदों को गोपी ने जू में देखा। एनिमल्स कौन से थे, एनिमल्स वॉ एलिफेंट्स, कैमल्स, एंटलॉप, डियर, जिराफ, लायंस, टाइगर्स, पोलार बियर्स, मंकीज एंड मैनी अदर एनिमल्स, और बहुत सारे दूसरे जानवर देखा। और बर्ड्स के ताल्लुक से पूछें तो बर्ड्स कौन से देखे, गोपी सॉ क्रेन्स, स्टॉर्क्स, पैरट्स, कॉकटूज एंड डक्स, इन परिंदों को देखा, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे इस सबक से नहीं आए, लेकिन हो सकता है पूछ भी सकता है,
और एक्सट्रैक्ट इसलिए लिए ताकि आपको सबक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला जुमला जो आई हैव अ डिलेमा इन माय माइंड, मेरे दिमाग में एक शक चल रहा था, एक वसवसा चल रहा था। तो गोपी के दिमाग में चल रहा था ना, जिस तरह मैंने लेसन में एक्सप्लेनेशन में बताया। हु इज आई रेफर टू, यहाँ पे आई कौन है, आई कौन है, गोपी के, आई रेफर टू गोपी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द डिलेमा, वसवसा क्या था। तो डिलेमा क्या था, द डिलेमा वाज, डिलेमा क्या था इसका, वाज इट ट्राई टू कैप्चर एंड केज बर्ड्स एंड चल रहा, क्या ये सही है परिंदों, दिमाग में चल रहा था। थर्ड देखिए क्वेश्चन, थर्ड इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, विच लेसन इज द लाइन टेकन फ्रॉम, कौन से सब्जेक्ट से ये लाइन ली, क्या लेसन। लेकिन एक्सट्रैक्ट देखते हैं, बट अलास आई वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अफसोस मैं अब बच्चा नहीं रहा। तो हु वॉज आई रेफर टू हियर, यहाँ पे आई से मुराद कौन है, कौन बच्चा नहीं, आई रेफर टू गोपी, गोपी क्या है, बच्ची नहीं। विच लेसन इज द लाइन टेकन फ्रॉम, कौन से सबक से ये लिया गया है, तो एट द जू। When was this said? जुमला गोपी ने कब कहा, When गोपी saw the children on elephant's back, जब गोपी ने बच्चों को एलिफेंट के पीठ पर सवार होकर मजा लेते हुए। तो what a strange creature this animal is, इतना अजीब, इतनी अजीब मखलूक है अल्लाह की। तो ये जुमला किसने कहा, क्या आपको मालूम है, गोपी ने कहा। Who is the speaker? Gopi is the speaker. ये जुमला क्या है, गोपी ने कहा। Which animal was looking strange? कौन सा जानवर अजीब लग रहा था, the giraffe was a strange animal. ठीक है। From which lesson the extract is taken? कौन से सबक से इस जुमले को लिया गया है, extract is taken from lesson at the